सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, फिर से आपका नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8:15 और मैं रेडी हो चुका हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। अब चलते हैं, आज एमटी मेट्रो नहीं रहेगी बिकॉज सैटरडे को एमटी मेट्रो नहीं रहती है, मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस ऑलरेडी बंद रहते हैं, सो इसलिए नॉर्मल टाइम पे ही मेट्रो निकलती है। सो चलता हूँ, आराम से मेट्रो लेता हूँ और आज का सैटरडे पूरा ऑफिस में ही निकलने वाला है फॉर श्योर, मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ। और लेट्स सी, होप अगर कुछ आया तो आया, अदरवाइज ऑफिस में रहेंगे। सो चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं आज दिन भर कैसा स्पेंड होता है, सैटरडे वीकेंड है, और जो भी रहेगा आप लोग को अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल निकलते हैं ऑफिस के लिए मेट्रो लेके। गाइस, लंच टाइम हो गया है और ये दो दिरहम लेके मैं जा रहा हूँ पराठा लाने, बिकॉज मैंने लाया है बुर्जी, सो उसके साथ पराठा खाऊंगा। सो चलता हूँ नीचे से, रेस्टोरेंट से पराठा लेके आता हूँ, दो दिरहम का दो पराठा, और फिर लंच करते हैं। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, मैं घर पे आ चुका हूँ और कपड़े वगैरह चेंज करके, जो भी सब कपड़े धुलने थे मैंने सब वॉशिंग मशीन खाली थी, सो तुरंत सब कपड़े धुलने के लिए डाल दिए। अब चलता हूँ, फैमिली वगैरह से बात कर लेता हूँ और फिर देखते हैं। आज रात को सोच रहा हूँ नॉर्मल प्लेन, बिकॉज कल टिफिन लेके जाना तो है नहीं, तो आज नॉर्मली अपना दाल राइस बनाएंगे, दाल फ्राई और राइस। सो चलते हैं, सब काम निपटा के किचन में खाना वगैरह बना के फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से और फिर बात करेंगे जो भी है। सो गाइज, ये आ चुका है हमारा आज का सैटरडे नाइट का डिनर, नॉर्मल प्लेन तड़के वाली दाल उसके साथ राइस, तीन लोग का प्लेट लग चुका है, मेरा, भैया का और ये अमन भाई का। इनसे रहा नहीं गया, खाना भी स्टार्ट कर दिया, बोल रहा हूँ रुक जाओ भाई वीडियो बनाने का है, लेकिन खाना चालू कर दिया। चलता हूँ फटाफट डिनर करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोग से मैं। सर गाइस, खाना पीना हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 7:30, सो आज काफी ज्यादा लेट हो गया है, 11:30 बज गया आज खाना पीना खाते ही, बिकॉज मैं जब ऑफिस से आया सो घर वालों से बात किया, उसके बाद खाना बनाने के लिए किचन गया, सो किचन काफी ज्यादा रश था। आज सैटरडे था, पता नहीं क्यों आज पहली बार सैटरडे को इतना रश था, तो मैं बोला कल छुट्टी है आराम से आज खाना बनाऊंगा, क्योंकि इतना भीड़ में खाना बनाने होता नहीं है, सुकून से शांति में बनाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है और खाना भी अच्छा बनता है। सो सबका जब खाना बन के किचन एकदम पूरा खाली हो गया, तब जाके मैं अमन भाई मिलके खाना बनाए, दाल राइस बनाया था प्लेन, क्योंकि सैटरडे था और बहुत दिन से दाल राइस खाए भी नहीं थे, सो आज नॉर्मल तड़का दे के दाल राइस बनाया था। खाना पीना खा के हो चुका है, अब चलते हैं आप लोग से, थोड़ी बहुत बातें शेयर करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद सो जाएंगे मूवी वगैरह देख के कुछ अगर हुआ तो, बिकॉज और कुछ खास तो है नहीं सैटरडे नाइट स्पेंड करने के लिए, हम लोग को बार क्लबिंग वगैरह तो जाते नहीं है, सो घर पे ही रहेंगे, मूवी वगैरह देख के, सीरीज वगैरह देख के सो जाएंगे, और कल संडे, कल देखते हैं कहाँ जाएंगे क्या नहीं, कल का प्लान का कल पे छोड़ते हैं। बाकी यार गाइस, दुबई का हाल मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या दुबई का हाल चल रहा है जॉब के रिलेटेड और किसी भी काम के रिलेटेड। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आज इस बारे में बात करने वाला हूँ कि लोग खाली अपना फ़ायदा देखते हैं यहाँ पे दुबई में, किसी को किसी से मतलब नहीं होता है, किसी की हेल्प करने की नहीं पड़ी होती है, बस लोगों को ये देखना है कि उनका प्रॉफिट उस काम में कितना हो रहा है, उनके पैसे कितने बन रहे हैं और कितना लोगों को लूट के वो काम कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। सो मैं आसपास देखता हूँ, इतने सारी चीज़ें, इतने लोग से मिलता हूँ, लोगों का हाल जानता हूँ, इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझे डीएम करते हैं मेरे यूट्यूब के थ्रू उनसे बातचीत हुई है, सो इस सारी जो इन्फॉर्मेशन है और चीज़ें नोटिस करने के बाद मुझे ये पता चला है कि आजकल की दुनिया में किसी पे भरोसा करने लायक नहीं, गाइज लिटरली किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है, बिकॉज खासकर यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री या किसी फॉरेन कंट्री में, यहाँ पे दुबई में क्या हो रहा है, लोग दूसरे को अभी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी को वीज़ा एक्सटेंड करना है, किसी को बेड स्पेस चाहिए या कुछ भी काम हो जो फर्स्ट टाइम दुबई आ रहा है या फर्स्ट टाइम कुछ काम कर रहा है या दुबई आ चुका है, उसको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, तो जो लोग हैं लूटने वाले वो यहाँ पे इतने मिल जाएंगे आपको रोड पे कि आप खाली घर से बाहर निकलो कोई मदद लेके, कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट लेके, आपको लूटने के लिए 100 लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई मैं करके दे दूंगा, हाँ भाई मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ये कर लो वो कर लो मैं करके दे दूंगा, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। सो इतना बुरा हाल चल रहा है दुबई, इसी वजह से गाइज मैं आप लोग को हर वीडियो में हर मैसेज पे यही बोलता हूँ कि जो काम, जितना काम आप अपना खुद से कर सको उतना बेहतर है। अब आज ही एक भाई ने मुझे मैसेज किया था
कि भाई मेरे को सस्ता और किसी अच्छी जगह से वीजा निकालना है मुझे कम पैसे में, मुझे बताओ कहाँ से निकालूं, कोई एजेंट है क्या आपके पहचान में? अब आप लोग कहाँ फंसते हो, इसी जगह पर फंसते हो पैसे बचाने के चक्कर में। आप लोग सोचोगे जो काम ऑफिशियल या कोई शॉप वाला एजेंट मुझे अगर 18,000 में 20,000 में करके दे रहा है, वही काम मेरे को वो दूसरा बंदा 15,000 में करके दे रहा है, मेरे 5,000 रुपए बच रहे हैं। ये जो 5,000 बचाने के लिए आप जाते हो ना, इसमें आपका जो पूरा 15,000 है वो दाव पे लगा रहता है, वो पूरे 15,000 का फटका लग सकता है आपको। कोई भी काम हो, टिकट निकालना है, वीजा निकालना है, बेड स्पेस बुक करना है, जॉब ढूंढना है, कुछ भी काम हो आपको खुद का काम खुद करो, उतना सेफ्टी से होगा और उतने सिक्योरिटी से होगा। बिकॉज आप टिकट बुक कर लिए, जाओ यार, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट है, शिकागो है, मेक माई ट्रिप है, दो पैसे ज्यादा जाएंगे लेकिन सेफ्टी रहेगी। आपको पता है आप कब की बुक कर रहे हो और क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसमें सब कुछ पता रहेगा। अब यही काम किसी और से करवाओगे, वो दो पैसे कम लेगा लेकिन वो बुक करेगा नहीं करेगा, आपसे पैसे ले लिया, आपको डमी टिकट निकाल के दे दिया, आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे वो टिकट है ही नहीं एक्चुअल में, तो क्या करोगे आप, उसको कहाँ ढूंढोगे? सो ये सब फ्रॉड से, ये सब काम से बचें, भले वो वीजा का काम हो, बेड स्पेस का। बेड स्पेस के लिए मैंने आप लोग को बताया, आप पूछते हो बेड स्पेस कहाँ है कहाँ है कहाँ है, डूबीजल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डूबीजल एप्लीकेशन पे बेड स्पेस ढूंढो, जिस एरिया में चाहिए, जिस रेंज में चाहिए, वो आपको बेड स्पेस पार्टीशन सब मिल जाएगा डूबीजल पे। सो गाइस, मैं इसलिए आप लोग को आज इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। मेन मेरा जो रीजन है वो है, आज मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। सो वो इंसिडेंट के ऊपर मैंने ये बात सोची, और हालांकि मैंने भी ये बात बहुत दिनों से एक्सपीरियंस की थी, सो मैं सोचा कि आज आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर ही दूं। मुझे एक्चुअली थोड़े से दिरहम की रिक्वायरमेंट थी, मेरे पास थे पैसे बट सेफ्टी रीजन की वजह से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दिरहम रखना चाह रहा था, मेरे पास मुझे कुछ सामान परचेस करना था। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई मैं आपको इंडिया में पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप मुझे दिरहम दे दो यहाँ पे कैश। सो लोग इतने मतलब ही यहाँ पे मेरे पूछा, लोग मुझे क्या सजेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई मिल जाएगा तेरे को दिरहम, मुझे 24 रुपये दे दे इंडिया के हिसाब से, मुझे 23.70 रुपये दे दे। जबकि जो दिरहम का एक्चुअल रेट चल रहा है वो एक दिरहम का 22.60 रुपीज़ है इंडिया का, बट लोग मुझसे मांग कितना ज़्यादा रहे, 1 रुपये 1.5 रुपये 2 रुपये ज़्यादा मांग रहे हैं। तो मैं यही आप लोग को कहना चाह रहा हूँ, बस यही मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो में आप लोग को बताना, यही चीज़ बताना कि आप खाली घर से बाहर निकलो, घर से बाहर कदम रखो अपनी प्रॉब्लम्स लेके। लोग, हजारों लोग लाइन में लग जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए, आपको सॉल्यूशन देने के लिए, लेकिन उस सॉल्यूशन के बदले वो आपसे कुछ अपना कट रखेंगे, आपसे बोलेंगे हाँ भाई मैं तेरी इस चीज़ में हेल्प कर दूंगा, मेरा एक बंदा पहचान का है, मैं हेल्प करवा दूंगा तेरे को, ये सेटिंग करवा दूंगा, लेकिन 100 दिरहम लगेगा यार, लेकिन 200-300 दिरहम लगेगा यार। तो वही मेन रीज़न है, वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हो कि भाई मेरे को बेड स्पेस बुक करवा दो, मेरे का वीज़ा लगवा दो, मेरा पासपोर्ट निकलवा दो, मेरा टिकट बुक करवा दो। मैं मेरे पीछे मत पड़ो, मेरे चक्कर में मत पड़ो, या किसी एजेंट के थ्रू अगर नहीं मिल रहा है कोई जेन्युइन एजेंट तो आप खुद बुक करो। इतनी सारी गवर्नमेंट ने वेबसाइट्स प्रोवाइड की, इतनी सारी सर्विसेज हैं, आपको क्या करना है, खाली जाके डिटेल फिल करनी है, पैसे पेमेंट करना है, कार्ड पेमेंट जो चीज़ है वो बुक हो जाएगी। फ्लाइट टिकट के लिए आपको फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, शिकागो है, मेक माई ट्रिप है, वीज़ा बुक करना है ऑफिशियल दुबई के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से वीज़ा बुक करो, या तो जेन्युइन कोई एजेंट ढूंढो, मेक माई ट्रिप से आप वीज़ा निकाल सकते हो। जहाँ आप देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे, आपको काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। किसी के पीछे भीख मत मांगो, ना ही किसी के पीछे पड़ो कि भाई मेरा ये काम करके दे दे, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि बिना किसी चीज़ लिए, बिना कुछ आपसे फेवर लिए वो आपको हेल्प कर दे। कोई भी नहीं हेल्प करेगा सिवाय आपके माँ बाप के, आपकी फैमिली के, आपके भाई बहन के। आपका इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आप लोग की हेल्प करे, यहाँ तक कि आपके रिलेटिव्स भी। अगर आप रिलेटिव्स को भी बोलोगे ना कि यार मामा मामी अंकल आंटी जो भी है, मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है, पैसे दे दो, मुझे ये बुक करना है, बुक करने में हेल्प कर सकते हो क्या? अरे नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे घर में खुद प्रॉब्लम चल रही है, पैसे नहीं है। सो ये सीन किसी के मुंह से ना सुनने से अच्छा बेहतर ये है, 4 पैसे ज़्यादा लगेंगे, मेहनत ज़्यादा लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट खुद से वो काम करो, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप फायदे में रहोगे, सेफ्टी रीजंस के चक्कर में भी, और भले ही 200-400-500 हज़ार दिरहम या 1,000 रुपये ज़्यादा जाएंगे, लेकिन वो काम सेफ्टी सिक्योरिटी से होगा। आपको पता रहेगा कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और ये चीज़ जेन्युइन है, जेन्युइन साइट से कर रहा हूँ, मुझे मिलेगा ये चीज़ करके, प्रॉपरली काम मेरा होगा। सो बस यही है मेरा कहने का मोटिव, आप लोग बचे रहो ऐसे लोग से, सावधान रहो। बाकी मुझसे जो भी चीज़ की हेल्प चाहिए सजेशन में, मैं आपको सजेशन में हेल्प करूंगा, लेकिन मैं भी इस चीज़ में हेल्प नहीं करूंगा आपकी कि टिकट बुक करके, वीज़ा बुक करके या कोई चीज़ बुक करने में मैं हेल्प नहीं करूंगा। सजेस्ट करने में, टिप्स देने में और
किसी चीज को प्रोवाइड करने में इन्फॉर्मेशन, मैं हमेशा आप लोग के लिए आगे हूँ, रेडी हूँ। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करो या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में करो, मैं उसके लिए हमेशा रेडी हूँ। लेकिन कोई चीज मैं आपको करके नहीं दूंगा, सब कुछ आप खुद से करो तो ज्यादा बेहतर है और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सो बस यही है आज के वीडियो में, मैं सोचा ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचाऊं, जो कि आज मेरे साथ हुआ है पैसे को लेके, वो आपके साथ ना हो, आप लोग ना फंसो। सो थोड़ा ज्यादा पैसे कैरी करो, अगर दुबई आ रहे हो तो जॉब सर्च के लिए थोड़ा ज्यादा दिरहम लेके आओ, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद जब आप दिरहम लेना चाहोगे इंडियन मनी दे के कन्वर्ट करके, काफी ज्यादा चार्जेस लगेंगे आपको। सो इस वजह से ज्यादा दिरहम कैरी करो दुबई आने के लिए, और बाकी कुछ भी हेल्प चाहिए तो आपका भाई हमेशा आप लोग के लिए तैयार है। अब चलता हूँ, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर।